हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वह अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित है। इसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। इसके संबंध में क्वेश्चंस बार बार पूछ लिए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड लाइक टू से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर न्यू अपडेट्स। अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, इसका तात्पर्य हमें समझना होगा। अभिक्रमित अनुदेशन उपागम का अर्थ है किसी पाठ्यक्रम का तार्किक अनुक्रम में एक निश्चित दिशा में अनुदेशन देना। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो भी अनुदेशन दिया जाए वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में दिया जाए, तार्किक क्रमबद्धता उनमें रहे। तथा अनुदेशन शब्द का साधारण भाषा में अभिप्राय है आज्ञा देना या इंस्ट्रक्शन देना इत्यादि। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्लासरूम टीचिंग के दौरान अध्यापक छात्र को विषय तक समझाने के लिए या विषय को पहुंचाने के लिए जो भी क्रिया करते हैं उसे अनुदेशन कहा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि को अभिकृति क्रमित अधिगम विधि भी कहा जाता है। यह विधि अभिक्रमित अधिगम विधि के नाम से भी जानी जाती है। सो वी कैन से इट इज कॉल्ड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। अभिक्रमित अनुदेशन विधि शिक्षण की आधुनिक विधि कहलाती है, आधुनिक तकनीक कहलाती है। यद्यपि ये बात और है कि इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है, तो इस दृष्टि से हम ये भी कह सकते हैं कि महान दार्शनिक सुकरात के द्वारा प्रतिपादित है यह विधि। कई विद्वानों ने सुकरात के द्वारा प्रतिपादित प्रश्नोत्तर विधि को अभिक्रमित अनुदेशन विधि के रूप में भी स्वीकार किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है इसका प्रत्यय वस्तुतः अत्यंत प्राचीन है। लेकिन हमें यहाँ ये बात भी ध्यान रखनी है कि अभिक्रमित अनुदेशन शब्द का औपचारिक ढंग से प्रयोग प्रथम बार 20वीं शताब्दी में ही किया गया। सन 1920 में ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक सिडनी एन प्रेसी ने मशीनों की सहायता से प्रश्नों को छात्रों के सम्मुख रखने एवं उनके द्वारा किनके द्वारा छात्रों के द्वारा दिए गए उत्तरों की तत्काल जांच करने उसी समय जांच करने का एक सफल प्रयास किया। इसके संबंध में उन्होंने एफर्ट किया और इसका परिणाम ये निकला कि प्रेसी की मशीनों से छात्रों को तत्काल ये ज्ञात हो जाता था, पता चल जाता था कि उनके द्वारा दिए गए उत्तर सही हैं या गलत हैं। यद्यपि ये बात और है कि इसमें पुनर्बलन तथा प्रतिपुष्टि जिसे फीडबैक कहा जाता है जैसे शब्दों का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं उल्लेखित किया गया है, लेकिन बाद में इस कंसेप्ट को इंक्लूड कर लिया गया। इसके अतिरिक्त बीएफ स्किनर महोदय को इस विधि का प्रणेता कहा जाता है, जनक माना जाता है। बीएफ स्किनर ने डॉक्टर प्रेसी के सहयोग से शिक्षा जगत को इस संबंध में विशिष्ट योगदान दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सुकरात के समय से विकसित होकर यह विधि आज के आधुनिक संदर्भों में अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षण विधि कहलाने लगी है। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से अपने शिष्यों को श्रोताओं को ज्ञान के उस स्तर तक ले जाते थे। यही कारण है कि इस विधि को स्वतः शिक्षण विधि भी कहा जाता है। यह विधि वास्तव में विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित करके क्रमबद्ध रूप से तार्किक ढंग से इस तरह से नियोजित करती है, ऑर्गेनाइज करती है, जिससे विद्यार्थी स्वतः शिक्षण एवं स्वाध्याय की ओर अग्रसर हो सके। इस तरह से कहा जा सकता है कि अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम के क्षेत्र में प्रस्तुत की जाने वाली एक आधुनिक तकनीक है, एक आधुनिक विधि है और इस विधि के अनुसार विद्यार्थियों को अपनी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार सीखने के विभिन्न अवसर प्राप्त होते हैं। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को व्यवहारिक रूप में एक शिक्षण पद्धति के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विधि के संबंध में कुछ और डिटेल में यदि डिस्कस करें तो यह वह सिद्धांत है जिसमें बालक को उसके प्रश्न का हल या मूल्यांकन तुरंत निर्देशित कर दिया जाता है, तुरंत बता दिया जाए तो उसके सीखने के अवसरों में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाते हैं उसके जो सीखने के अपॉर्चुनिटीज हैं। मनोवैज्ञानिक स्किनर ने ऐसे ही शैक्षिक यंत्र का आविष्कार सन 1950 एवं 54 के अराउंड किया जो बालक को उसके प्रश्न का हल सही है अथवा गलत है तुरंत ही बता देता था। तथा इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया, इस आविष्कार के माध्यम से ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ
कि बालक को यदि परिणाम तुरंत मिल जाए तो वह बेहतर तरीके से सीख सकता है। इसका अभिप्राय ये भी हुआ कि बालक को जब पुनर्बलन प्राप्त होता है और वह आगे बढ़ने के लिए, आगे सीखने के लिए इच्छुक दिखता है या प्रतीत होता है। और इस तरह से कहा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक स्किनर को इसका श्रेय काफी हद तक दिया जा सकता है। और यही वह आधार है जिसमें पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में प्रस्तुत किया जाता है तथा छात्रों को उसके अध्ययन करते समय अनुक्रिया करनी होती है। अभिक्रमित अनुदेशन की कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस के संबंध में यदि डिस्कस करें तो इनमें प्रोफेसर रूस की डेफिनेशन उल्लेखनीय है कि अधिगम में एक विशेष प्रकार का निर्देशन जो विद्यार्थी को नई सामग्री सिखाता है और अपने अधिगम को जांचने का अवसर देता है, अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। यह कभी कभी स्वचालित अनुदेशन भी कहलाता है। स्टोफल के अनुसार ज्ञान के छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने को अभिक्रम एवं इस प्रक्रिया को अभिक्रमित या सीखना कहते हैं। स्टोफल रिमार्क्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट द अरेंजमेंट ऑफ टॉनी बिट्स ऑफ नॉलेज इन लॉजिकल सेंस सीक्वेंस इज कॉल्ड द प्रोग्राम्ड एंड प्रोसेस ऑफ कॉल्ड प्रोग्राम्ड लर्निंग। इट मीन्स दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोग्राम्ड लर्निंग। स्मिथ एवं मूर के अनुसार अभिक्रमित अध्ययन पदार्थों को यानी विषय वस्तु को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली प्रक्रिया है जो बहुधा विद्यार्थी को परिचित पृष्ठभूमि से एक जटिल एवं नवीन प्रत्ययों सिद्धांतों और अवबोधनों की श्रृंखला की ओर ले जाती है। इट मीन्स इसका अभिप्राय क्या हुआ कि इस विधि के अंतर्गत विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में या टुकड़ों में तोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है तथा जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वह छोटे पदों में ही पढ़ाया जाता है तथा जिन टुकड़ों को विषय वस्तु के अंतर्गत रखा जाता है उनको फ्रेम कहा जाता है। स्मिथ मूर सेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट प्रोग्राम्ड कंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑफ द मटेरियल टू बी लर्नड इनटू अ सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स। यूजुअली इट मूव्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम अ फैमिलियर बैकग्राउंड इनटू अ कॉम्प्लेक्स एंड न्यू सेट ऑफ कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि स्किनर के द्वारा प्रतिपादित अभिक्रमित अनुदेशन को रेखीय अभिक्रमण के नाम से भी संबोधित किया जाता है। 1955 में नॉर्मन ए. क्राउडर ने शाखीय अभिक्रमण के संबंध में भी अपना प्रत्यय प्रस्तुत किया जिसमें गलत एवं अनुपयुक्त उत्तर मिलने पर उपचारात्मक अनुदेशन की व्यवस्था भी की जाती थी, यानी विद्यार्थी को तत्काल पता चल जाता था कि उसका उत्तर सही है अथवा गलत है। इसके अतिरिक्त सन 1962 में रॉबर्ट मेगर ने अभिक्रमित अनुदेशन के अनुसार इस कॉन्सेप्ट को और अधिक विकसित किया। इसके अंतर्गत यानी अभिक्रमित अनुदेशन के समय में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने का विधान किया गया। मेघर महोदय का ऐसा मानना है क्योंकि शिक्षार्थी ही अभिक्रमित अनुदेशन को आगे बढ़ाता है, इसीलिए शिक्षार्थी को यानी विद्यार्थी को नियंत्रित अनुदेशन के अंतर्गत कार्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सन 1962 में एक प्रश्न सहज उठता है कि अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित अधिगम की आवश्यकता क्यों होती है। तो हम कह सकते हैं कि सामान्य कक्षा शिक्षण में सामान्यतः विद्यार्थियों को ये कठिनाई आती है, इस कठिनाई को महसूस करना पड़ता है कि वे स्वगति से सुविधा पूर्वक कैसे अधिगम करें, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक बालक को शिक्षा कैसे प्रदान की जाए। इस संबंध में शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा अनेक प्रयास किए गए किंतु पूर्ण निवारण संभव नहीं हुआ और यही कारण है कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि, अभिक्रमित अधिगम विधि अस्तित्व में आई और इस विधि के माध्यम से बालक को स्वगति से सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं तथा व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण अध्यापन में जो भी जटिलताएं या कॉम्प्लेक्सेस उत्पन्न होते हैं उनको कम किया जा सकता है। योजनाबद्ध तरीके से विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में प्रस्तुत करने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि विद्यार्थी को स्वयं पता रहता है कि वह सही मार्ग पर है या गलत पर, वह सही है अथवा नहीं। प्रत्येक प्रतिक्रिया के साथ उसे ये पता चल जाता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि उसकी प्रतिक्रिया सही थी अथवा गलत, तथा इस प्रकार का ज्ञान उसे अधिगम में आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होता है। इस तरह से सीखने का एक लाभ ये भी है कि प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी स्वयं की प्रोग्रेस का एनालिसिस करने में आसानी रहती है, अपनी स्वयं की प्रगति का उसे पता चल जाता है, वे अपना समय नष्ट नहीं करते हैं तथा इस विधि के माध्यम से आसानी से अधिगम कर सकते हैं।
अभिक्रमित अध्ययन के कुछ विशिष्ट सिद्धांतों के संबंध में यदि डिस्कस करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या हैं, तो इनमें जो प्रथम सिद्धांत है वह छोटे छोटे अंशों का सिद्धांत है, जिसे छोटे सोपानों का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। इसका अभिप्राय ये है कि जिस विषय वस्तु को विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है वह उसे प्रभावशाली ढंग से सीख जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का जो अगला सिद्धांत है वह सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। इसका अभिप्राय ये है कि विद्यार्थी उस समय शीघ्रता से सीखता है या जल्दी सीखता है जब वह शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है। मनोवैज्ञानिक खोजों के माध्यम से भी ये सिद्ध हो चुका है कि विद्यार्थी भली भांति तभी सीखते हैं जब वे उस कार्य में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से अभिक्रमित अधिगम की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि प्रत्येक छात्र प्रत्येक प्रश्न समस्या का उत्तर देते हुए अधिगम के प्रत्येक स्तर पर सक्रिय सहयोग प्रदान करता है। इसको ही सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वह पुनर्बलन का सिद्धांत है, जिसे आश्वासन का सिद्धांत भी कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट फीडबैक, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर ये सिद्ध किया जा चुका है कि छात्र जब तक सीखता है जब तक वह अपने उत्तर के प्रति आश्वस्त हो। जो छात्र अपने उत्तर के संदर्भ में अधिक देर तक प्रतीक्षारत रहते हैं, कहने का अभिप्राय है जिन्हें अपने उत्तर के लिए देर तक इंतजार करना होता है, वे उन छात्रों की अपेक्षा अधिक नहीं सीख पाते हैं जिन्हें अपने उत्तरों के परिणाम शीघ्रता से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि ये पुनर्बलन का सिद्धांत है, जिसमें उसे पुनर्बलन तत्काल प्राप्त होता है और यह सीखने का सबसे प्रभावशाली सिद्धांत भी माना जाता है। इसी तरह से स्वगति से सीखने का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग। अभिक्रमित अनुदेशन का जो मूल सिद्धांत है वह इस पर ही केंद्रित है, ये बात दिमाग में रखनी है कि स्वगति से सीखने का सिद्धांत, और इसके अंतर्गत अधिगम सबसे प्रभावशाली तभी होता है जब बालक अपने प्रयत्न से सीखता है या सीखने वाला स्वगति से सीखता है। इसका अभिप्राय ये है कि अभिक्रमित अधिगम में प्रत्येक छात्र अपनी इच्छा अपनी शक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार तीव्र एवं मंद गति से सीखने के लिए स्वतंत्र होता है। उसके अधिगम में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वह प्रत्येक प्रश्न समस्या पर जितना समय चाहे वह ले सकता है और इसको ही प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग कहा जाता है। इसका जो अगला सिद्धांत है वह विद्यार्थी मूल्यांकन का सिद्धांत है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट इवेल्युएशन कहा जाता है। यह सिद्धांत छात्र परीक्षण से संबंधित है। इसमें विद्यार्थी का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और इसे शिक्षण की अच्छी प्रक्रिया माना जाता है, सीखने से संबंधित प्रभावशाली प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक क्षमता के अनुसार सीखने की प्रक्रिया एवं गतिविधि को देखा समझा जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन के अनेक प्रकार हैं, इनमें रेखीय या बाह्य अभिक्रम, शाखीय एवं आंतरिक अभिक्रम, अवरोही अभिक्रम या अभिक्रमित अधिगम इत्यादि प्रमुख हैं। यह एक विस्तृत टॉपिक है, इसके संबंध में अन्य वीडियो समय समय पर डालेंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।